बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, किताबें जी एक पढ़े लिखे इंसान के लिए, एक मौजब इंसान के लिए जो शख्सियत चाहिए होती है उसको बनाने में किताबें जो हैं, इल्म जो है वो एक बुनियादी किरदार अदा करता है। इसीलिए ये रीड पाकिस्तान की जो काविश है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मेरे ख्याल में इनिशिएटिव है। बहुत अल्लाह ताला इनकी जितनी भी टीम जो है जो काम कर रही है वो इनको इसका अजर दे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर किताब पढ़ने की बिल्कुल ही आदत ही ख़त्म हो गई है। तो ये ख़ासतौर पे नौजवानों के अंदर अगर ये आदत दोबारा जो है उसको उजागर करने के अंदर कामयाब होते हैं, जिस हद तक होते हैं, और लोगों तक ये शऊर पहुंचाया जाता है कि हाँ किताब पढ़ने से उनकी जहन भी बड़ा होता है और ज़िंदगी में कामयाबी भी हासिल करने के लिए, आप बिल्कुल दुनियावी तरीके से अगर आप सोचें कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए भी, मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ एक ख़ास किस्म की किताबों की बात है, लेकिन जो तदरीसी किताबें होती हैं, मैं इतना कॉरपोरेट करियर करने के बाद मेरे पास जो IBA की जो मेरे की कोर्सेज थे जो मेरे बहुत दिल के करीब थे वो किताबें मेरी लाइब्रेरी में पढ़ी होती थी और मैं रेफर करता था। मतलब यहाँ अगर कोई फाइनेंस का स्टूडेंट सोच रहा है, मैं एंग्रो के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे मैंने वापस जाके ब्लैक शोल्स मॉडल पढ़ा अपनी फाइनेंस की किताब के अंदर, क्योंकि हम जो है वो ऑप्शंस देना चाहते थे एम्प्लॉयज़ को। तो बिल्कुल इतनी प्रैक्टिकल चीज़ से लेकर एक जहन के अंदर वसत पैदा करने तक हर चीज़ के अंदर किताब आपकी मदद करती है। तो नौजवानों आदत डालो और ज़रूर गूगल इस्तेमाल करो और ये व्हाट्सएप वगैरह ज़रूर तमाम मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो, बट याद रखो किताब का नेबल बदल नहीं है, किताबें भी साथ साथ ज़रूर पढ़ो।